हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग सबसे ज़्यादा व्याग्रा टेबलेट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, जबकि इससे भी बेस्ट मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया है कि रोज़ रोज़ संबंध बनाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान हो सकता है, तो इस पर मैंने डिटेल में बात किया है। आप जाकर के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये मेडिसिन किस काम आती है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, इरेक्शन नहीं आता है, या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये मेडिसिन इस प्रॉब्लम में प्रिस्क्राइब की जाती है और इस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब कुछ रीज़न को फाइंड आउट करते हैं कि किस कारण से लोग व्याग्रा को सबसे ज़्यादा परचेस करते हैं, जबकि मार्केट में और भी मेडिसिन अवेलेबल है जो कि इससे बेहतर है। तो पहला जो रीज़न है, अनअवेयर ऑफ अदर मेडिसिन। लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में और भी मेडिसिन है जो व्याग्रा को रिप्लेस कर सकती है, उसकी जगह पे यूज किया जा सकता है, और रिजल्ट में व्याग्रा से ये सारी जो मेडिसिन है वो बेस्ट है। तो लोग इससे अवेयर ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है। अब दूसरा जो रीज़न है, लैक ऑफ नॉलेज। ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसे लोगों को पता तो है कि व्याग्रा लेना है इस प्रॉब्लम के लिए या फिर लिंग में इरेक्शन नहीं आ रहा तो इसके लिए, बट पता ही नहीं होता है कि इस मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे लिया जाए, कैसे कितना डोज लिया जाए। तो इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है इन सारे मेडिसिन को लेकर के, आप जाकर के चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज हो गई। अब जो तीसरा रीज़न है उसकी बात करते हैं, मार्केट अवेलेबिलिटी। ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है वो व्याग्रा ही है। आपको दूसरे ब्रांड का या फिर जो इसके जगह पर दूसरी मेडिसिन आती हैं वो मार्केट में कहीं है ही नहीं, और अगर मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण लोग सबसे ज़्यादा व्याग्रा इजीली किसी भी शॉप पर के गली चौराहे किसी भी शॉप पर के इजीली व्याग्रा मिल जाता है, लेकिन अदर जो मेडिसिन है वो नहीं मिल पाती है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, मार्केट अवेलेबिलिटी। तो अब नेक्स्ट रीज़न की बात करते हैं, प्राइस। तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसके और भी मेडिसिन है, टेडलाफिल है, वर्डेनाफिल है, एवेनाफिल है, इन सबको लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये मेडिसिन इससे ज़्यादा महंगी मिलती है, जिसे लोग सबसे ज़्यादा व्याग्रा को यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन आपको 20 रुपए में इजली किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाती है। पर अगर आप ऑनलाइन परचेस करने जाते हैं तो इस मेडिसिन के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, और एक प्रिस्क्रिप्शन भी है। सबसे ज़्यादा मैटर कि लोग बिना दिखाए अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो उनको व्याग्रा जो है इजली मेडिकल शॉप पर मिल जाती है और बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, लेकिन जो अदर मेडिसिन है वो इजली मेडिकल शॉप पे नहीं मिलती हैं और उनका प्राइस भी इसकी तुलना में काफ़ी हाई होता है। तो मैं बता दूं इसके रिप्लेस में कौन सा मेडिसिन बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं बता दूं व्याग्रा की जगह पे टेडलाफिल ले सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। पूरे 1 वीक आपकी बॉडी में रहती है और 1 वीक तक आपको बिल्कुल बेहतर इरेक्शन देती है, तो आप टेडलाफिल की ओर जा सकते हैं। या फिर अगर आपको व्याग्रा ही लेना है तो व्याग्रा के ऑप्शन में वर्डेनाफिल है, एवेनाफिल है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट है और जल्दी आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होती है। व्याग्रा, टेडलाफिल, वर्डेनाफिल, एवेनाफिल का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसके यूजेस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, एडवाइस। तो मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि देखिए, व्याग्रा तो इजीली मिल जाता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो टेडलाफिल है। आप इसके बाद अगर व्याग्रा की कैटेगरी की ही लेना चाहते हैं तो वर्डेनाफिल है या एवेनाफिल है, ये इससे बहुत ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट देती हैं आपको। को अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट में, बट आप इसको ईज़िली ऑनलाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये इजीली ऑनलाइन मिल जाता है, आपको कहीं भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं करवाते हैं और आप खुद से लेते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है इसे मिलने में।
तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग ही इस मेडिसिन को लीजिए। ये बात आपको सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं, आपकी बॉडी की पूरे एनालाइज करने के बाद, कई रिपोर्ट टेस्ट करने के बाद। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर को दिखा करके ही इस मेडिसिन को लीजिए, और इजली ये मार्केट में आपको ऑनलाइन बिल्कुल इजली तरीके से मिल जाएगी, या फिर ये मेडिकल शॉप पर, जो बड़ी मेडिकल शॉप होती है वहाँ ये अवेलेबल होती है। बात बता दूं कि अगर आप व्याग्रा ले रहे हैं तो आप वडेनाफिल या फिर एवेनाफिल लीजिए, बेस्ट है। और कंपनी देखिए मैटर करता है, और बहुत सारी कंपनियां जो अच्छी अच्छी सन फार्मा है, सिप्ला है, बहुत सारी, ज़रूरी नहीं कि जो फाइजर कंपनी वही बेस्ट है। सिप्ला का विगोर आता है, उसको आप ले सकते हैं, सन फार्मा है, बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो इस सॉल्यूशन को यूज करती हैं, अपने ब्रांड, अलग ब्रांड से लेकर आती हैं, तो आप उसको फाइंड करके इजली आप ले सकते हैं। सारी ब्रांड में एक ही असर करता है क्योंकि सॉल्यूशन एक ही होता है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको क्लियर करूँगा।